जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आज मेरी बड़ी जो लीडरशिप है जर्नलिस्ट की, उनसे भी मुलाकात हुई है। और इस वक्त मेरे साथ नीर बाजी मौजूद हैं, कराची से भी हमारी एक कुलीग, और बड़ा अच्छा वास्ता रहा था। और अभी जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है जर्नलिज्म कर रही हैं, और साथ साथ इधर भी जो है वो मामला देख रही हैं। मुझे नीर बाजी, मैं इधर आया था, पॉलिटिकल एक सिचुएशन बिल्कुल अजीबोगरीब हुई है ना। कोई भी जगह जब तक उधर इस्तेकाम ना हो, एक प्रॉपर सिचुएशन ना हो, ठंडा माहौल ना हो, कोई भी काम नहीं हो सकता। तो अभी यहाँ तो सारे आपस में लड़ रहे हैं पॉलिटिशियन, क्या होगा आगे ये बता दीजिएगा थोड़ा सा। जो नाज़रीन जो मेरे व्यूअर हैं, मैं इनको सोशल मीडिया के पेजेस पे भी अपलोड करता हूँ, तो अभी इस वक्त क्या सिचुएशन, क्योंकि पूरा पाकिस्तान देख रहा है, सारी बिजनेस कम्युनिटी सोच रही है अब क्या होने वाला है। खान साहब कहते हैं मैं आ रहा हूँ, उसके बाद ये सिचुएशन, इसके ऊपर क्या आप देख रही हैं इस्लामाबाद में बैठ के? देखिए अली, जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है कि जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनको कौन सा एक जो फेस है वो दुनिया में पाकिस्तान का जा रहा है, उनके लिए ये बिल्कुल सानवी बातें हैं। फिर इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है, ये भी उनके लिए इसलिए सानवी है क्योंकि अदम इस्तेहकाम की वजह भी वही होते हैं। और अगर ये चीज़ वो सीख लें या ये चीज़ वो उनको बावर करा दी जाए, तो मेरे ख्याल है बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के नसीब में एक अनफॉर्चुनेटली लिख दिया गया है। हर पॉलिटिशियन जो है वो कम अज़ कम कुर्सी चाहता है, और इससे ज़्यादा उसकी ना तो कोई ख्वाहिश है, ना तलब है, और ना ही वो उससे ज़्यादा का कोई उसका विजन है। इस वक्त जो आप इस्लामाबाद की बात करें, मुल्क भर में जो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो इतनी अदम इस्तेहकाम का और इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है कि उसकी वजह से पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, पाकिस्तान आके कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, पाकिस्तान में कोई पैसा नहीं लगाना चाहता। और इन सारी वजूहात, देखें सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, अब उन सारी वजूहात की वजह से जब किसी को यही नहीं पता कि पता नहीं दो महीने के बाद ये हुकूमत होगी या नहीं होगी, पता नहीं दो महीने के बाद यहाँ पे सियासी तौर पे निज़ाम क्या होगा, पता नहीं अगले हफ्ते जो है वो यहाँ पर जो धरना होगा उसके बाद शहर कितने दिन बंद रहेगा, तो इस तरह का अदम इस्तेहकाम जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का एक तशख्स है उसको भी खराब करता है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान को फाइनेंशियली बहुत बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो मामला भी ख़राब रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। जो सस्टेनेबिलिटी है, उसके बगैर किसी भी सूरत में कोई भी माशरा जो है, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और जब आपको अपने कल का पता ही नहीं है तो आपने फिर आगे क्या करना। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कराची में भी नेहरबाजी काम किया है, कराची में भी एक अच्छा काम किया, और इस्लामाबाद में भी आप अच्छा काम करिए, तो मुझे बस इसमें फ़र्क थोड़ा सा जानना था। बीइंग अ जूनियर, मैं भी वहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो इस्लामाबाद और कराची में क्या फ़र्क आपने देखा है जर्नलिज्म और मीडिया से रिलेटेड? क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल एलीट, सारी मिलिट्री एलीट करीब करीब बैठी हुई है, तो इधर जो आपके सोर्सेज डेवलप होते हैं, मेरा ये नज़रिया या ख्याल है कि वो कराची के अंदर या सूबाई सतह पर उस तरह नहीं मैनेज होते। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं यूनिवर्सिटी का भी ताल्लुक है, मेरा एमफिल कर रहा हूँ मैं कराची यूनिवर्सिटी से, तो वो स्टूडेंट्स भी हैं मेरे साथ फेसबुक के साथ कनेक्टेड, तो उनको दे रहे हैं जो जर्नलिज्म ताल्लुक रखें, कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस्लामाबाद और कराची में? देखिए, आप दुनिया में जहाँ भी चले जाएँ, जहाँ एक सूबे और विफाक का फ़र्क है, चाहे वो जर्नलिज्म है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, वो बड़ा वाज़ेह होता है। मैंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो इस्लामाबाद से किया था, और इस्लामाबाद से पहला टीवी मैंने आज टीवी ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर ARY और जियो के साथ मैंने इस्लामाबाद में, दुबई में काम किया, एज़ ए रिपोर्टर भी काम किया, एज एन एंकर भी काम किया, होस्ट भी काम किया। तो फिर उसके बाद मेरा कराची जाना हुआ, वहाँ पर एंकरिंग भी की, फील्ड में रिपोर्टिंग भी की, और आपके साथ, आपको याद होगा, आई वॉज़ द ओनली फीमेल क्राइम रिपोर्टर एट दैट टाइम, जिस वक्त क्राइम रिपोर्टिंग में फीमेल्स का कोई तसव्वुर नहीं था फील्ड में, तो वहाँ पर भी काम किया। उसके बाद फिर मैं लाहौर चली गई, वहाँ से मैंने 2 साल लाहौर में दुनिया टीवी के साथ एज ए सीनियर एंकर, सीनियर प्रोड्यूसर काम किया। वहाँ से जब कुछ अरसे के बाद मैं दोबारा कराची गई, वहाँ से फिर वापसी इस्लामाबाद हुई, तो ये बड़ा पूरा एक जर्नी है। और आपको पता है कि ट्रैवलिंग में और जगह चेंज कर करके काम करने में आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, आप सीखते बहुत हैं। और जब मैं दोबारा भी इस्लामाबाद आई, क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हूँ, पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ, तो जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग है वो यकीनी तौर पर, जो आपका सवाल था बुनियादी तौर पर, ये सारी तमहीद बांधने की वजह ये थी
कि आपको मैं समझा सकूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट कैसे है। वो डिफरेंट इसलिए है कि मैं इस्लामाबाद में मैंने अपना करियर शुरू किया, मेरी बेस इस्लामाबाद थी, मैंने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट से अपनी पहली रिपोर्टिंग शुरू की थी और कई साल जो है वो रिपोर्टिंग करने के बाद जब मैं कराची गई तो मुझे बहुत बड़ा डिफरेंट, बहुत वास्ट डिफरेंट था। वो डिफरेंट ये था कि मैं जब जियो में थी तो मैंने यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफ़र ली तो मुझे कहा गया कि कराची में और इस्लामाबाद की जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, बाहर जो जोग्राफिया है, ये बहुत डिफरेंट है। हमारा एक इस्लामाबाद है और वहाँ पर छः इस्लामाबाद उस वक्त थे, अब तो वो मेरे कम 7 इस्लाम में आपने तकसीम कर दिया, तो 6 इस्लामाबाद हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे बिल्कुल ही अलग माहौल था और इस अलग माहौल को देखते हुए आपने काम भी करना था और मुझे वहाँ पर बहुत सीखने का मौका मिला। लेकिन वो सीखने का जो वो था ना, वो 360 डिग्री का टर्न था। हाँ, बिल्कुल ऐसे कि आप यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर कवरेज कर रहे हैं, फॉरेन ऑफिस में बैठ के कवरेज कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में कवरेज कर रहे हैं, बिल्कुल अलग माहौल है, बिल्कुल अलग। और वहाँ पर आप सड़कों के ऊपर जो है वो अलग तरीके से जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इस डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अगर वहाँ पर हैं तो आपका काम रजिस्टर नहीं होगा। आप अच्छा काम जहाँ भी करेंगे वहाँ रजिस्टर होगा। नैयर अली जब कराची में काम कर रही थी तो कराची के लोगों ने वहाँ पर रजिस्टर किया, पूरे पाकिस्तान ने रजिस्टर किया कि बीइंग क्राइम रिपोर्टर, बीइंग पॉलिटिकल रिपोर्टर, बीइंग एन एंकर, जो मैंने वहाँ पर काम किया वो वहाँ पर रजिस्टर है, वो कहीं फौत नहीं हो गया मेरे वहाँ यहाँ आने से। लेकिन यहाँ पर जो मैं काम कर रही हूँ वो यकीनन जो है वो उसका लेवल डिफरेंट है। मैं यहाँ पर पार्लियामेंट कवर करती हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज कवर करती हूँ, उसके साथ मेरे पास फॉरेन अफेयर्स की बीट है और तमाम फॉरेन डिप्लोमेटिक अफेयर्स को देखती हूँ, इसके साथ मैं ह्यूमन राइट्स को देखती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लेवल जो है वो सूबे का और विफाक का डिफरेंट है और ये हमें मानना पड़ेगा कि इस लेवल के डिफरेंस से जो है वो आपके सीखने का भी डिफरेंस है, आपके जो लर्निंग प्रोसेस तो एक है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो सोर्सेज डेवलप होते हैं वो भी डिफरेंट लेवल के होते हैं। लेकिन सोर्स खतरनाक वाले हो जाते हैं। सोर्स जो है वो कोई भी गैर जरूरी और पक्का नहीं होता, ये बात ये बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। मैं इस पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हूँ, नैयर साहिबा जी, नैयर बाजी मैं इनको बोलता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि कराची से मैं इनको जानता हूँ और यहाँ पर आई, इन्होंने होस्ट किया, मैं शुक्रिया आपका बहुत वादा करूँगा। थैंक यू सो मच। मैं आपको पूरे कश्मीर से लेते हुए आप इधर आते हुए दिखा रहा हूँ, तो मेरे से कनेक्ट ले गया। वीडियो को लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अली रज़ा जर्नलिस्ट के नाम से, और इस वीडियो को काइंडली शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।